नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज की वीडियो है एनीमिया को लेकर। दोस्तों क्या कारण है एनीमिया होने का? एनीमिया होता है दोस्त खून की कमी। अगर आपके शरीर में आयरन जो होता है वो कम हो गया है, आयरन की कमी हो गई है, तो आपको एनीमिया का रोग लग सकता है। सामान्य सा रोग है, कोई ऐसा बड़ा नाम से मत डरिए कि मैंने एनीमिया बोल दिया तो पता नहीं कितना खतरनाक रोग है, ऐसा नहीं है। बट है 70% लोगों को ये, और ज़्यादा बड़ा रोग भी नहीं है, बट ये बहुत बड़ा रोग भी है। अगर इसे आप अनदेखा करेंगे इसे तो बहुत बड़ा रोग है, लेकिन ये 70% लोगों को तो है ही है, खास करके महिलाओं को। जेंट्स को इतनी नहीं है, जेंट्स को है लेकिन महिलाओं की तुलना में कम है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा बीमारी है इस चीज़ की। तो बात कर लेते हैं इसके लक्षणों की। तो लक्षण क्या है इसके? आप सबसे पहले लक्षण की बात करें तो देखिए, आपका जो चेहरा है ना वो एकदम से पूरी बॉडी जो है ना वाइट हो जाएगी, एकदम से पीलापन सा हो जाएगा। जैसे खुद ही कहते हैं ना, भाई क्या हो गया तुझे, खून सा ही नहीं रहा तेरे अंदर, तो एकदम सफ़ेद सा हो गया। आजकल तो सभी डॉक्टर हैं, सभी बता देते हैं इस चीज़ को, नाखून जो है आपके वो वाइट हो जाएंगे। वाइट ही नाखून होते हैं, लेकिन जो लालीपन सी दिखाई देती है ना आपको अंदर, वो नहीं दिखाई देगी। आँखों की जो पलकें हैं ना वो थोड़ी वाइट हो जाएंगी। आप जैसे ऐसे करके देखेंगे या ऐसे करके देखेंगे तो हल्का सा वाइटपन आपको इसमें दिखाई देगा, लालपन आपको नहीं दिखाई देगा आपको। इसके साथ जो अलग लक्षण होते हैं जो आप फील करते हैं, आपको हमेशा चक्कर से महसूस देंगे। आप कहीं बैठे हैं, उठकर चले तो आपको चक्कर आना शुरू हो गए, एकदम से कमजोरी सी महसूस दी। आप कहीं चलेंगे जल्दी थक जाएंगे, हाँफ जाएंगे, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। आप कुछ करेंगे मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। सिर में दर्द हो जाएगा, बेवजह सिर में दर्द रहेगा कि जी सिर में दर्द रहेगा, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये एनीमिया के लक्षण होते हैं। कारण आपने जान लिए कि लक्षण आपने जान लिए कि क्या होते हैं, अब कारण मैं आपको बताता हूँ कि कारण क्या होते हैं। देखिए पहला कारण तो सीधा सीधा ये है कि जो हम आयरन युक्त भोजन है, जिसमें आयरन होता है, जिस खाने में, वो हम नहीं लेते हैं। फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं भैया, कुछ जल्दी से खाना बन जाए, टाइम ना लगे, और उसके चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, हमें खाना जो लेना है अच्छा लेना है, हेल्थी फूड लेना है, हरे पत्तेदार सब्जियां आपको इस्तेमाल करनी है, जिसमें आयरन युक्त जो भोजन है आपको वो आपको लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फास्ट फूड के चक्कर में ना पड़ें, तली भुनी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। खाना खाने के लिए स्वस्थ और हेल्थी फूड का ही इस्तेमाल करें आप। कारण हो सकते हैं जैसे आपको चोट लग गई हो, काफ़ी सारा ब्लड निकल गया हो, तो भी आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, उसे भी खून की कमी ही कहा जाएगा। अगर आपको कहीं उल्टी दस्त हो गए, उसके साथ ब्लड निकला हो, तो भी आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी अंदर आपके खून की कमी हो सकती है, क्योंकि देखिए आपके अंदर भी एक जीव पल रहा है ना। जो बच्चा है वो माँ के खून से ही अपने भोजन को बनाता है, तो उस वक्त माँ को खून की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी कंडीशन में माँ को खून की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ चलती हैं लेडीज़ में, प्रेग्नेंट लेडी में। क्यों? क्योंकि खून की कमी नहीं होने देना है हमें, वरना आने वाले समय में बच्चे और माँ को दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगला कारण एक और हो सकता है कि अगर आपको पाइल्स है, बवासीर है, उसमें भी आपको खून की कमी हो सकती है, क्योंकि खून रिसता रहता है, वो भी बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, तो इसमें भी आपके अंदर खून की कमी हो सकती है। तो ये सारे कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो सकती है। कोई आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें आपको खून ही नहीं बन पा रहा हो, आपको शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा हो, तो भी एक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको कैसे इस कमी को पूर्ति करना है, पहले तो जान लेते हैं कि इसकी मात्रा कितनी होती है। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उससे हम खून की मात्रा का निर्धारण करते हैं कि कितना खून है। जैसे आप दूरी का निर्धारण करते हैं ना कि भैया 5 किलोमीटर चला गया, 6 किलोमीटर चला गया, उसी तरह खून की मात्रा को जानने के लिए हीमोग्लोबिन को जानना जरूरी होता है। जब भी हम खून की मात्रा को जानते हैं तो बोलते हैं कि जी जो पुरुषों में होता है, मेल में होता है ना, वो होता है 12 से 16%, और जो महिलाओं में होता है वो होता है 11 से 14%। अगर इससे कम है तो आपको खून की कमी है। इतना भी नहीं है कि 11 बताया मैंने और 10 है तो खून की कमी होगी, नहीं। लेकिन अगर 11 बताया 11 से 14 महिलाओं में और आपका 9 है तो आपके अंदर खून की कमी है। वही 12 से 16 अगर पुरुषों के लिए है तो अगर 10 है तो आपके अंदर खून की कमी है। उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, टेस्ट कराते रहिए, जानते रहिए कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 100 रुपये में हो जाता है मात्र टेस्ट, हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है ना, खून जाँच करने के लिए कि भाई कितना खून है मेरे अंदर, तो वो 100 रुपये में हो जाता है। ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हो सकता है कम में भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और हो सकता है ज़्यादा भी, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग लैब, सबके अलग अलग और अलग अलग सिटी के अनुसार सबके रेट अलग अलग होते हैं मेरे भाई। तो नॉर्मली जो है 100 रुपये ज़्यादा नहीं है, तो आप 100 रुपये में जांच करा कर जान सकते हैं कि कितना खून आपके अंदर है। ये मैंने आपको मात्रा बता दी है हीमोग्लोबिन की, 12 से 16 पुरुषों के लिए और 11 से 14 महिलाओं के लिए। तो अब जैसे आप देखेंगे, अगर हमारे शरीर में, हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, आयरन की कमी हो गई,
फिलहाल बात कर लें, आयरन की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो हमें एनीमिया रोग हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। जब आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, तो वो कम बनने लगता है और उस कम बनने की स्थिति में खून की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि खून का निर्माण भी हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। तो जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो खून की मात्रा भी कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कितना जरूरी है हमारे लिए वो मैं आपको बता दूं कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जो हमारी ऑक्सीजन जाती है ना, हमारी नाक के द्वारा जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, तो उस ऑक्सीजन को, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उस ऑक्सीजन को खून में मिलाकर पूरी बॉडी में घुमाता है, शरीर के सारे अंगों पर। तो जब ये ऑक्सीजन सारे अंगों में पहुंचती है तो हमें कार्य करने की, वर्क करने की एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, तभी हम काम कर पाते हैं। अगर ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, आयरन कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ, और हीमोग्लोबिन कम हुआ तो मेरे भाई जो ऑक्सीजन को ले जाना है पूरे अंगों में वो मात्रा तो कम हो गई, और जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो पूरे शरीर में ऊर्जा तो खत्म हो गई। यही कारण है कि आप कहते हैं कि जी शरीर थका थका सा महसूस है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना पूरी अच्छी तरह से नहीं घूम रही है, ऊर्जा आपको नहीं मिल पा रही है, खून की मात्रा आपकी कम हो गई है। तो ये कारण हो जाता है, खून की कमी से आपकी जो बॉडी में आलस्य सा भरा रहता है, थकान सी होती है, चक्कर से आते हैं, यही वजह है। तो मेरे दोस्त, इसको बचाने के लिए पहला जो काम करना है आपको, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। फास्ट फूड, जंक फूड, जल्दी से बनाने वाले और खा जाने वाले फूड आप ना खाएं। मजबूरी है, खा लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तीज त्यौहार है, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक आधी बार चल जाता है। बट हमेशा आप उसी चीज़ को, रूटीन को फॉलो करोगे ना, फास्ट फूड के, जंक फूड के, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज़ को छोड़ दें, और अगर आपको खाने से ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो फिर सीधा सीधा एक काम कीजिएगा, आयरन और फोलिक एसिड की गोली ले लीजिएगा। आयरन की गोली और फोलिक एसिड की अलग अलग भी आती हैं, आयरन की गोली अलग, फोलिक एसिड की अलग, और कॉम्बिनेशन भी आता है आयरन और फोलिक एसिड की गोली का। तो जो कॉम्बिनेशन आता है ना, उसे आप क्या करें, एक गोली रात को ले लें खाना खाने के एक घंटे बाद, रोजाना आपको एक गोली लेनी है। इससे क्या होगा, आपके जो शरीर के खून की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, अनीमिया रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। खून की मात्रा हो जाएगी पूरी तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा, ताकत आपको मिलेगी, दर्द आपको नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो आप आयरन और फोलिक एसिड की गोली ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग मिलती है, कॉम्बिनेशन में नहीं मिलती है, तो एक गोली आयरन की, एक गोली फोलिक एसिड की, रात को खाना खाने के एक घंटे बाद ले लीजिएगा। और अगर कॉम्बिनेशन में मिल जाती है दोनों, तो एक ही गोली लेनी पड़ेगी आपको खाना खाने के एक घंटे बाद, जो मैंने बताई आपको, बस केवल एक ही गोली लेनी है रात में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, कोई नई वीडियो लेकर आऊँ, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।